सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब सपा सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई एडीएम वित्त एवं राजस्व रामपुर के न्यायालय में होगी। दरअसल जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 12.5 एकड़ जमीन रखने की अनुमति है, जबकि इससे अधिक भूमि रखने के लिए धारा 154 के अंतर्गत प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी होती है। जौहर यूनिवर्सिटी के नाम 69 हेक्टेयर भूमि है, जिसकी अनुमति चैरिटेबल कार्य हेतु ली गई थी, लेकिन एसडीएम सदर द्वारा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वहां पर चैरिटेबल कार्य होता नहीं मिला, इसीलिए अनुमति की शर्तों के विपरीत कार्य करने के चलते तय सीमा 12.5 एकड़ से अधिक 158 एकड़ भूमि को राज्य सरकार में दर्ज कर दिया जाए। उनके इस रिपोर्ट पर डीएम रामपुर ने नोटिस जारी करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए। जौहर ट्रस्ट के नाम से जो जमीनें खरीदी गई हैं, क्योंकि एक नियम है जिसमें पूर्व के जो नियम थे वो थे जेडे की 154 के तहत एक परमिशन लेनी पड़ती है, अनुज्ञा लेनी पड़ती है, जिसके अंदर 12.5 एकड़ से अधिक जमीन अगर खरीदते हैं तो उसके लिए राज्य सरकार की अनुज्ञा चाहिए, जिसके तहत ये टोटल ज़मीनें खरीदी गई थी और टोटल जो ज़मीन थी वो 69 हेक्टेयर थी। उस 69 हेक्टेयर में से 5 हेक्टेयर जमीन जो है छोड़ करके, यानी 12.5 एकड़ जमीन छोड़ करके, उसके अलावा जो 64 हेक्टेयर जमीन है, उस 64 हेक्टेयर जमीन को चैरिटेबल रूप में कार्य करने के कारण से ये अनुज्ञा प्राप्त हुई थी। लेकिन चूंकि चैरिटेबल वर्क नहीं किया जा रहा है, इसके आधार पर तहसील सदर के उप जिलाधिकारी की ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही करने के लिए और 12.5 एकड़ से अधिक भूमि चूंकि उल्लंघन में आ रही है, शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसको राज्य सरकार में समस्त भारों से मुक्त होकर के राज्य सरकार में निहित किए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिस पे कलेक्टर साहब ने इसको सुनने के लिए न्यायालय के रूप में एडीएम वित्त राजस्व को प्रेषित किया। यूनिवर्सिटी में पढ़े बच्चों की पढ़ाई पर एडीएम ने कहा कि शैक्षिक व्यवस्था का इससे कोई मतलब नहीं, वह केवल जमीन को लेकर विवाद है, इस कार्रवाई की शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शैक्षिक व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है इससे, ये केवल जमीन की जो नेचर है, जमीन को लेकर के जो विवाद है उसको लेकर, और आपको हमने बताया कि समस्त फार्म से मुक्त होकर के ये राज्य सरकार में जमीन निहित होगी, उसका शिक्षा के यूनिवर्सिटी के ऊपर या शिक्षा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल वो जमीन अगर राज्य सरकार की घोषित होती है तो राज्य सरकार के रूप में दर्ज रहती है, और अगर ये पाया जाता है साक्ष्य के रूप में कि नहीं ये नोटिस गलत जारी हुई है, तो नोटिस वापस हो जाएगी। सर टोटल जमीन आपने कितनी बताई सर? टोटल 69 हेक्टेयर जमीन है ये। अच्छा। जिनमें से 5 हेक्टेयर जमीन जो है वो 12.5 एकड़ तक मुक्त रहेगी, जो रखने के लिए, धृत करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति वो परमिशनेबल है हमारे एक्ट के प्राविधानों के तहत, उसके अतिरिक्त जो जमीन है वो समस्त भारों से मुक्त होकर के राज्य सरकार में निहित होगी, उस पर किसी प्रकार का कोई भार जो है सरकार के ऊपर आयत नहीं होगा, कोई देनदारी सरकार पे नहीं रहेगी। इसमें आपके नोटिस जारी करेंगे ट्रस्ट को क्या? वो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है न्यायालय के रूप में, उसको जो हमारे अपर कलेक्टर हैं वित्त राजस्व वो उसकी सुनवाई करेंगे, सम्यक साक्ष्य का अवसर दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, और सुनवाई होने के बाद न्यायालय जो भी निर्णय करेगा उसके अनुसार कार्रवाई। बता दें कि जिला प्रशासन ने जौहर ट्रस्ट की जमीनों की जाँच एसडीएम सदर से कराई। जांच में साफ हुआ है कि सपा सांसद आजम खान ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सपा शासन में जौहर ट्रस्ट के नाम पर सरकार से जमीन ली थी। अब जौहर ट्रस्ट से करीब 160 एकड़ जमीन पर सरकारी कब्जा ले सकती है। रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।